He was somebody who supports Pfizer Tats. I'm tattoo artist, piercing artist and eyebrow tattoo artist in Navi Mumbai. So कैसे हम लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे. Basically 2-3 days से हम लोग लगातार वीडियो डाल रहे हैं. तो हम लोग का ब्लॉग नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना रहता है टैटूज, पियर्सिंग एंड आईब्रोज के बारे में, तो इसलिए हम लोग वीडियो डाल देते हैं. तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है वो तो आपको थंबनेल के ऊपर से पता चल ही गया होगा. अगर थंबनेल के ऊपर से पता नहीं चला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडियो में हम लोग के जितने भी टैटूज, पियर्सिंग एंड आईब्रोज टैटूज वगैरह होते हैं उसका वीडियो हम लोग ऐसे ही वीडियो में देते हैं. तो आज का वीडियो भी उसके रिलेटेड ही होने वाला है. हफ्ते के हम लोग के स्टूडियो के टैटूज का हम लोग वीडियो आज दिखाने वाले. तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग के हफ्ते के टैटूज कैसे कैसे हुए. तो अभी जस्ट हम लोग का एक पियर्सिंग हुआ, तो उसका एक वीडियो हम लोग आपको यहाँ पे दिखा देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो ये वाला. सो फाइनली अभी हम लोग का टाटू कंप्लीट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उनके हैंड पे रेडनेस है, तो मैं आपको टाटू दिखा देता हूँ. आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा प्लाज्मा वगैरह आ रहा है, तो इसके लिए हल्का सा हम लोग ने उनको क्लीन किया है एंड देन ऐसे ही टाटू रखा है. तो आप लोग देख सकते हो रेडनेस है थोड़ा. इसका पूरा वीडियो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको. सो फाइनली अभी हम लोग का बैंड टाटू शुरू कर रहे हैं, तो वही बैंड टाटू अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. सो आप लोग देख सकते हो हम लोग ने यहाँ पे स्टेंसिल किया है, जस्ट उसमें और डिटेलिंग करना भी बाकी है और इसका फाइनल रिजल्ट होगा वैसे ही हम लोग आपको दिखा देंगे यहाँ पे. तो आज डे 3 है और हमारा जो टाटू है वो स्टर्नम का यहाँ का एक होने वाला है एंड एक टाइगर का टाटू है, वही हम लोग करना है. तो दोनों भी टाटू आज आपको इस वीडियो में हम लोग दिखा देंगे. तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा टाटूज रहता है, कंसल्टेशन रहता है, स्टूडियो में जगह भी कम है, तो इसके लिए ना वीडियो हम लोग बार बार ले नहीं सकते. क्लाइंट के सामने कभी कभी उनको ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए हम वीडियो नहीं लेते. लेकिन जितने भी टाटूज हैं ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे एंड उसके बाद में आपको दिखा देंगे.
तो अभी जैसे हम लोग का एक पियर्सिंग हुआ, एक यहाँ का हुआ, एंड एक जो हम लोग का कॉर्न पियर्सिंग होता है उधर का हुआ, तो वही पियर्सिंग हम लोग आपको दिखा देते हैं। बेसिकली आप लोग देख सकते हो हम लोग के पास ना सेप्टम का पियर्सिंग का, बेली पियर्सिंग का, एंड ये नोज़ का वगैरह बहुत सारे, ये जो हेलिक्स रहता है ओके उसका भी स्टड्स है, ये भी हम लोग के पास स्टड्स है, बहुत सारे स्टड्स है। ये भी जो सेप्टम रिंग्स रहता है ना और ईयर रिंग्स उसका स्टड है, सेप्टम का नो स्टड है, बहुत सारे स्टड्स है, आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पर ओके। तो ये सारे स्टड्स हम लोग पियर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत मेडिकेटेड क्वालिटी के स्टड्स है, इसमें इरिटेशन नहीं होता और हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपने देखा रहेगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे टैटूज आपको अच्छा लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, टैटूज अच्छा लगा, लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही कंटेंट आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन टू ऑल करो, मतलब जब भी हमारा वीडियो आ जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऐसे ही वीडियोज़ आप तुरंत देख सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में के कोई भी टैटूज पसंद वगैरह आए रहेंगे तो आप उसका फोटोज़ वगैरह आपको लेना रहेगा तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया का ऑल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी को टैटू बनाना होगा तो वहाँ पे जाके आप सीधा डीएम कर सकते हो और स्टूडियो में आके आप टैटू बना सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग आएंगे अगली बार, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और पीस गाइस। किसी को भी अगर टैटू बनाना होगा, आपका करीबी रहेगा उसको टैटू बनाना होगा, ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले कि टैटूस किस तरह के होने चाहिए तो वो अच्छे दिखते। सो चलते अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और पीस।